दोस्तों, त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और ऐसे में हम अपने घर को कलर करवाना पसंद करते हैं। तो उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पेंट स्टॉक्स की जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो देखिए, पेंट की जो कंपनियां हैं, एशियन पेंट जो कि मार्केट लीडर है, कैंसाई, नेरोलैक, बर्जर पेंट, इंडिगो, शालीमार पेंट और एक्जोनोबल। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्जोनोबल कौन सी कंपनी है, तो आपको इस ब्रांड का नाम देखकर आपको जरूर याद आ गया होगा, ड्यूलेक्स। तो ये इसी का ही एक ब्रांड है। ये इन सबको कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, उन्हीं के बेस पर ही हम इनको कंपेयर करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इनकी मार्केट कैप के बारे में। तो देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से एशियन पेंट जो है सबसे बड़ी कंपनी है और उसकी लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और बर्जर पेंट जो है 78,000 के आसपास की मार्केट कैप है। कैंसाई नेरोलैक की जो मार्केट कैप है वो 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और जो इसमें सबसे जो छोटी है वो है शालीमार पेंट। दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पीई है वो है इंडिगो पेंट्स का, और हमारे पास जो अभी शालीमार पेंट्स का जो है अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और आगे जाकर आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो देखिए, इसके बाद इंडिगो पेंट है और जिसे मिलता है 2 पॉइंट, और शालीमार को हमने दिया 1 पॉइंट, और सबसे कम है एक्जो नोबल का जिसे मिले हैं 6 पॉइंट। के बाद हमारा जो अगला क्राइटेरिया है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो ROC परसेंटेज अगर आप देखोगे तो देखिए, यहाँ पर एशियन पेंट का जो ROC है वो 34.81 का है, जो कि सबसे ज़्यादा है अपने सेक्टर में। और जो सबसे कम है वो शालीमार पेंट का है, नेगेटिव में है, इसलिए एशियन पेंट को मिलता है यहाँ पे 6 पॉइंट, और 1 पॉइंट हमने दिया है शालीमार पेंट को। और उसके बाद जो है बर्जर पेंट है 27.33 के साथ 5 पॉइंट मिले हैं, कैंसाई नेरोलैक को 2 पॉइंट मिले हैं और इंडिगो पेंट को मिले हैं 4 पॉइंट। तो अगला हमारा क्राइटेरिया है ROE का। तो यहाँ पर देखिए, एशियन पेंट टॉप पे है 27.26 के साथ 6 पॉइंट मिले हैं, और अब एशियन पेंट के जो है 16 पॉइंट हो चुके हैं। बर्जर पॉइंट है उसके बाद 23.79 के 5 पॉइंट, और 13 पॉइंट मिलते हैं टोटल। और कैंसाई नेरोलैक जो है 13.56 के साथ 2 पॉइंट मिले हैं, और 9 पॉइंट टोटल उसके हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे कम जो है एज यूजल -20.19 का ROE है, लॉस मेकिंग कंपनी है, 1 पॉइंट मिला है और टोटल उसके हो गए 3 पॉइंट। तो अब अगला हमारा क्राइटेरिया होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। 1 से जितना भी कम होगा वो दी बेस्ट है, और अगर ये 0-0 होगा तो सबसे अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट का 0.03 है, बर्जर पेंट का 0.11 है, कैंसाई नेरोलैक का 0.04 है, इंडिगो पेंट का 0.02 है, और आप यहाँ पर देखिए शालीमार पेंट्स का 0.54 है, और इसलिए उसे मिलता है यहाँ पर 1 पॉइंट। और सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो है इंडिगो पेंट का, और उसे मिलता है 6 पॉइंट, और उसके बाद एशियन पेंट है जिसे मिलता है 5 पॉइंट, बर्जर पेंट को मिला है 2 पॉइंट, और टोटल जो इसमें पॉइंट है एशियन पेंट के पास है 21 पॉइंट, बर्जर पेंट के पास है 15 पॉइंट, कैंसाई के हो गए हैं 13, इंडिगो के हैं 16 और एक्जोनेबल के 15। तो दोस्तों, अगला हमारा क्राइटेरिया है ईवी बाय इबिट्टा। और यहाँ पर देखिए, एशियन पेंट का है 52.74, 4 पॉइंट मिले हैं, और जो सबसे जो अच्छा है यहाँ पर वो है एक्जोनोबल का 25.3 और उसे मिलता है 6 पॉइंट यहाँ पर, और इंडिगो पेंट का सबसे खराब तो उसे मिलता है 1 पॉइंट। और इस तरह से अभी तक एशियन पेंट जो अपनी लीड को बनाए हुए है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर। तो अगला हमारा क्राइटेरिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि कितने प्रॉफिट मार्जिन पर काम करते हैं कंपनियां। तो देखिए, यहाँ पर एशियन पेंट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर 22% के प्रॉफिट मार्जिन पर काम करते हैं कंपनी, और उसे मिलते हैं 6 पॉइंट। और बर्जर पॉइंट, कैंसाई नेरोलैक और बाकी की जो सभी कंपनियां हैं सिर्फ शालीमार पेंट को छोड़कर लगभग सभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है सेम है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा कैश कन्वर्जन साइकिल, की कितना जल्दी कंपनी के पास कैश आता है। और इस लिस्ट में देखिए, एशियन पेंट जो है टॉप पे है 6 पॉइंट के साथ 16.2 डेज, और जो सबसे जो नीचे है वो है 60.42, कैंसाई नेरोलैक का 1 पॉइंट मिलता है। और इसके बाद हमारा अगला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी कितना जल्दी अपनी इन्वेंट्री को फटाफट निकालती है अपने गोदाम से। एशियन पेंट का 7.21 है, और जो सबसे अच्छा है वो इंडिगो पेंट का 9.51। और यहाँ पे देखिए, एशियन पेंट देखिए अपनी लीड कितनी बढ़ा चुका है। इसकी यही कारण है कि एशियन पेंट अभी तक 50 सालों तक अपने इस सेक्टर में लीडर रहा है। इसके बाद अगला हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो है प्रॉफिट 5 ईयर CAGR, कि प्रॉफिट जो है कितने कंपाउंड की दर से यहाँ बढ़ा है पिछले 5 साल में। तो देखिए, 5 ईयर का जो प्रॉफिट है वो एशियन पेंट का जो 13% है, और बर्जर पेंट का 15% है, और जो सबसे जो टॉप पे है वो 60% है,
और इसीलिए इंडिगो पेंट को यहाँ पर 6 पॉइंट मिले हैं। और जो सबसे डाउन में है वो है शालीमार पेंट। और अभी देखिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर की जो रेस है, यहाँ पर इंडिगो पेंट और एक्जो नोबल के अंदर टाई है, और नंबर एक पे एज़ यूजल एशियन पेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की, जो कि सेल्स 5 ईयर CAGR। देखिए एशियन पेंट जो है 9% की CAGR से अपनी सेल्स को बढ़ा रहा है, और टॉप पेंट को पेंट है 42% और उसे मिलता है 6 पॉइंट, और सबसे जो डाउन में है यहाँ पर शालीमार पेंट है -3% और इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया, कितनी FIs और DIs की कंपनी के अंदर होल्डिंग है। तो जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। तो इस केस में देखिए एशियन पेंट जो है टॉप पे 26.48%, 6 पॉइंट मिलते हैं, और सबसे डाउन है शालीमार पेंट 3.56, 1 पॉइंट मिलता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेजिंग की, कि किसी कंपनी के क्या कोई शेयर गिरवी रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अगर ये 0% है तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए अब चेक करते हैं। तो इस लिस्ट में देखिए एशियन पेंट ही एकमात्र कंपनी है जिसने अपने शेयर जो है गिरवी रखे हुए हैं, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। इसके बाद देखिए किसी भी कंपनी ने यहाँ पर देखिए प्लेजिंग नहीं की हुई है, तो इसलिए एशियन पेंट को मिला है 1 पॉइंट और बाकी सभी कंपनियों को 5-5 पॉइंट मिलता हुआ। और यहाँ पर देखिए एशियन पेंट जो है टोटल 57 पॉइंट है, और उसके बाद देखिए इंडिगो पेंट के 58 पॉइंट है। तो इस समय तो आगे निकलता हुआ मैं दिख रहा है यहाँ पर इंडिगो पेंट। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक क्राइटेरिया और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस कंपनी की है। तो देखिए मार्केट शेयर के मामले में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एशियन पेंट के पास 42% का मार्केट शेयर है यहाँ पर। तो इसी के साथ और इसीलिए वो एक मार्केट लीडर भी है, और उसे मिलता है यहाँ पर 6 पॉइंट। उसके अलावा देखिए बर्जर पेंट के 12% है और उसे मिलते हैं 5 पॉइंट। और इस तरह से देखिए इस रेस में अब समय आ गया है कि इसका फाइनल स्कोर का। तो देखिए फाइनल स्कोर इस तरह से है, एशियन पेंट को मिलते हैं 63 पॉइंट। देखिए नंबर दो पे रहा इंडिगो पेंट 61 पॉइंट, रैंक नंबर दो, और जो सबसे लास्ट में शालीमार पेंट है 23 पॉइंट के साथ, और नंबर तीन पे है एक्जो नोबल। दोस्तों पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जब जो हमारे जन्म के पहले से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें से भी कोई एक स्टॉक्स आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। मेरे यहाँ पे पर्सनली कोई बाइंग या सेलिंग की राय नहीं है। तो दोस्त इस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।